एक दिन रजाक, मुख्तार और आतिफ तीनों हमारे कमरे में आए। रजाक हम तीनों से पूछने लगा कि क्या हाल है तुम लोगों का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। हम लोग इतनी ज़्यादा डरे हुए थे कि हम उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम लोग इस काम के लिए राजी हो या नहीं। तोबा तोबा, बहुत बोलती है भाई ये। लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुझे बहुत दफा मैंने प्यार से समझाया, तेरी बात समझ में नहीं आती क्या? छोड़ दो, रहम करो हम पर। तो रहम कर दूंगा, पहले धंधे के लिए तो मान। भाई बहुत ढीठ हड्डी है, उड़ा दे साली को। बोल, हाँ करती है ना? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता, रहम करो हम पर। माँ बाप का वास्ता देती है, तुझे मार दो। लेकिन मेरी बड़ी बहन तहमीना उसके सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि खुदा के वास्ते इसको छोड़ दो, मैं तैयार हूँ। एक को नहीं, तुम तीनों को तैयार होना पड़ेगा, समझी तुम? जब मेरी बड़ी बहन ने उसको ये यकीन दिला दिया कि मैं इन दोनों को समझा दूंगी, तो रजाक वहाँ से चला गया। अगले दिन जब हमारी आंख खुली तो हालात कुछ नहीं बदले थे, लेकिन तारीख बदल चुकी थी और हमें उस घर में दाखिल हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। इतनी देर में शाइस्ता कमरे में आई कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेकर। आज तहमीना कहीं नहीं जाएगी। जाना तो पड़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ये कपड़े पहन लो और ये पकड़ो मेकअप का सामान, जल्दी करो और अच्छे से तैयार हो जाना। और तुम लोग भी मान जाओ, क्योंकि देर सवेर मानना तो है। नौरीना इतनी ज्यादा तंग आ गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत ज्यादा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे और कोई हमें रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ना हम दरवाज़ा तोड़ सकते थे, ना हम चिल्ला सकते थे, ना हम कहीं भाग सकते थे। हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। नादिया, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। क्यों? देखो ना, तीनों बच्चियाँ मेरी चली गई, घर खाने को दौड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ? ये तो है। देखो तुम ऐसा क्यों नहीं करती है? एक दफ़ा मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दो। अच्छा, हाँ हाँ आपा, चलते हैं, मैं ले चलूँगी आपको। अभी तो मैं ज़रा मसरूफ हूँ ना, शाम में चलते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो मेरी बात गौर से सुनो, वो लड़कियों की अम्मा आ रही है। अरे अपनी बच्चियों से मिलने आ रही है ना शाम में। मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे मेरी बेटियों के पास लेके चलो, अब क्या करूं मैं? लेकिन देखो, अगर वो एक दफा आ गई और घर का रास्ता उसने समझ लिया तो फिर तो वो बार बार आती रहेगी। हाँ तो फिर क्या करें? हाँ हाँ, ये की ना तुमने पते की बात। चल फिर शाम में मिलते हैं। मैं तुम लोगों को समझा के थक रही हूँ, लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या जिद लगाई हुई है तुम लोगों ने। मार देंगे तुम दोनों को तो मार दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब जिस्म ही नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? इज्जत, ये इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती। तुम्हें पता होता अगर तुम्हारे पास भी होती। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी यार, मर जाओ। नौरीना ने उसको आवाज़ लगाई और बोला कि मैं तैयार हूँ। सुनो, मैं तैयार हूँ। ओके। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम?
अरे आप लोग? इन्हें अपनी बेटियों से मिलना था। कहाँ हैं बच्चियाँ? अब वो तीनों तो मार्केट गई हुई हैं शॉपिंग के लिए, तो मैं उन्हीं को लेने जा रहा था। आप भी मेरे साथ चले ना। हाँ हाँ चलो, कुछ खाए पी भी लेंगे। आइए आइए। अरे आ जाओ आपा, क्यों इतना सोच रही हो? दामाद ही तो है आपके। अगले दिन नौरीना की बारी आ गई। आतिफ ने दरवाज़ा बजाया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कॉल पर जाना है, समझी? शाइस्ता कुछ कपड़े लेकर आई और नौरीना को दिए, लेकिन जो बेबसी मैंने तहमीना के चेहरे पर देखी थी वो मुझे नौरीना के चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत खुद एतमादी दिखा रही थी। मुझे और तहमीना को आखिर तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं और मेरी बड़ी बहन तहमीना, हम आखिर तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि नौरीना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इतनी देर में आतिफ उसको वहाँ से ले गया। वैसे भी आज तेरे मज़े आने वाले हैं, बस बस इतना घूर के ना देखा कर, प्यार से देखा कर। चल जल्दी आ, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी आ। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि बहुत देर हो गई है, नौरीना का कुछ पता नहीं है। इतनी देर में हमारे सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर। और इस कदर उस पर जुल्म हुआ था कि शायद कोई जंगली जानवर भी किसी पर ना करता हो। इसने सड्डे की रस्म तोड़ी है, इसको तो मैं मारूंगा। जा जा, लेकर इसको, लेकर इसको बिफोर मेरे पास ही रख। और वो नौरीना को फिर से घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया। और जब उस वक्त नौरीना की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मैं और मेरी बहन हम लोग इस कदर मजबूर थे कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। सब लड़कियों को बुला के लेकर आ। भाई सबको? आतिफ मैंने कहा ना सबको, तो सबको लेकर आ। ए सब लाइन से खड़े हो जाओ। ए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जाके। इसने मेरे अड्डे से भागने की कोशिश की थी, अंजाम देख रहे हैं उसका? इससे बुरा अंजाम करूंगा तुम लोगों का भी। लेकिन इस को तो मैं आज सिखाने लगा के, रस्सी लेकर आ को लटका दे। क्या लेगा रस्सी? बेल्ट निकाल, बेल्ट दे, बेल्ट दे मुझे। पकड़ी पकड़ो। हम दोनों बहनें खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी उस वक्त, लेकिन जब हमने कोशिश की तो तू क्या समझ गया? इधर जा। और उस वक्त हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो हमारी आंखों के सामने उन्होंने हमारी बहन को उसके गले में एक तार उसके गले में लपेट कर उसको जान से मार दिया। इतनी देर में तहमीना गई और नौरीना का सर अपनी गोद में रखा और उसकी आंखें बंद की। उस वक्त शाइस्ता भी बेबस खड़ी हम लोगों को देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम लोग उस वक्त खुद को बहुत बेबस
महसूस कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी हम अपनी बहन को बचा नहीं सकी।